और बुरी तरीके से पुलिस वालों ने डिटेन किया है। ये दिखाता है, ये साफ साफ दिखाता है कि आज की सत्ता और आज की जो सरकार है वो पुलिस प्रशासन की इतनी बंदिशें कर रही है। हम लोग शांति पूर्वक आए थे उत्तर प्रदेश के। बच्चे तो देश के भविष्य होते हैं और उसे एक तरह से थप्पड़ मरवाना, मुझे अफसोस आ रहा है, बहुत अफसोस आ रहा है। जब हम लोगों ने वीडियो ये देखा तो इतना अफसोस आया कि मैं क्या कहूँ, मुझे रोना आया। और ये स्टूडेंट संगठन वाले यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यूपी भवन का घिराव करने के लिए आए। जैसा कि मुजफ्फरनगर में एक शिक्षिका ने मुस्लिम बच्चों को और बच्चों से पिटवाया है, उस बात को लेकर इन पे काफ़ी नाराज़गी है। ये लोग काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यूपी भवन के पास इस वक्त मौजूद हूँ। 8 साल के बच्चों को, 8 साल के बच्चे को जिस तरीके से तृप्ति त्यागी एक शिक्षिका ने और बच्चों को पिटवाया है स्कूल में, उस बात को लेकर स्टूडेंट संगठन के YS का ये धरना प्रदर्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर यूपी भवन पे ये लोग यहाँ पर हैं, उस बच्चों को, उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हैं। बहुत ही अफसोस और शर्म की बात है, एक शिक्षिका द्वारा जब ये शिक्षा के मंदिर में भेदभाव करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो और एक बच्चे को, 8 साल के बच्चे को जिस तरीके से पिटवाया गया है और बच्चों के हाथों से, तो ये लगता है आप सोच सकते हैं कि उस बच्चों पे क्या गुजरी होगी, क्या गुजरती होगी। बच्चा बिल्कुल सहमा सा, डरा सा, बच्चों से पिटवाया जाता है, हिंदू मुस्लिम शिक्षा के यहाँ पर होने लगा है। मुजफ्फरनगर के उनकी जो मांगे हैं, नेहा पब्लिक स्कूल में ये वाक्य पेश आया है। किस तरीके से इनको यहाँ से डिटेन किया जा रहा है बसों में? अब जो लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए उनको पुलिस जो है डिटेन कर रही है। यहाँ पे शांति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक ने एक छात्र को पिटवाया जो मुस्लिम छात्र है। ये सांप्रदायिक दंगे को फैलाने वाली वारदात है और सरकार को डूब मरना चाहिए, ऐसे शिक्षक को निलंबित करना चाहिए और इस सरकार को इस तरीके के दंगों को खत्म करना चाहिए। घूस के लिए शिक्षक पूरी तरह से जिम्मेदार है, उसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, जो YS के स्टूडेंट संगठन यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए यूपी भवन के पास आए थे, इन लोगों को पुलिस डिटेन करके ले गई है। याद रहे कि मुजफ्फरनगर में एक नेहा पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर में एक मामला पेश आया, बहुत ही शर्मनाक मामला पेश आया है कि एक शिक्षिका ने एक 8 साल के बच्चे को जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हुए पूरे स्टूडेंट यानी कि बच्चों के हाथों से पिटवाया है, ये बहुत ही शर्म की बात है। एक शिक्षा के मंदिर में भी ये लोग हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि देश में नफरत इस तरीके से घोल दिया गया है कि जहां शिक्षा के मंदिर है वहां भी हिंदू मुस्लिम करके एक बच्चे को, 8 साल के बच्चे को शर्म आनी चाहिए। 8 साल के बच्चे को जिस तरीके से मारा गया है, बच्चों के द्वारा पिटवाया गया है, ये बहुत ही अपने आप में शर्म की बात है। उस शिक्षिका को के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। शिक्षिका ने जिस तरीके से बिल्कुल कानून का उल्लंघन करते हुए जिस तरीके से बहुत ही शर्मनाक जो है मामला पेश आया है, उस शिक्षिका को गिरफ्तार करना चाहिए, उन पे कानूनी शिकंजा
गढ़ना चाहिए। ये हरियाणा के यूपी भवन पे इस वक्त मौजूद हूँ। भारत न्यूज 91 के फेसबुक पेज लाइव पर आपको सीधी तस्वीर यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस के जवान सब मौजूद है और KYS सिंह स्टूडेंट संगठन यहाँ पर इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें डिटेन करके ले जाया गया। सीधी तस्वीर आपको भारत न्यूज 91 आपको दिखा रहा है। दर्शकों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देश में आप देख सकते हैं जिस तरीके से नफरत घोली जा रही है, जिस तरीके से जहां पर प्यार मोहब्बत की बातें होनी चाहिए वहां पर नफरत की बातें हो रही है। और देश के शिक्षा के मंदिर में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है। 1-8 साल के बच्चे को, बच्चे के साथ जिस तरीके से जिस तरीके से सलूक किया गया है वो अपने आप में शर्म की बात है। बच्चों को सबके सामने सरेआम बिल्कुल और दूसरे बच्चों से पिटवाया गया और ये कहकर पिटवाया गया कि मोहम्मदन है मारो, इतनी शर्म की बात है। ये देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के यूपी भवन में इस वक्त मौजूद हूँ, यूपी भवन के सामने। यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन करने आए स्टूडेंट संगठन को यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारत न्यूज 91 आपको यहाँ से सीधी तस्वीर दिखा रहा है आपको। ये यूपी भवन है। तस्लीम, किस तरह देख रहे हैं शिक्षा के मंदिर में बच्चों के साथ हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है और बच्चों के साथ और जितने बच्चे स्कूल में उन्हें नेहा पब्लिक स्कूल है मुजफ्फरनगर में वहां पर पिटवाया गया, क्या किस देखिए अभी तो नफरत का इंतहा हो गया। खास तौर पर जो समाज में बड़े लोग एक दूसरे से नफरत करते थे और ये तो छोटे मासूम बच्चे से भी नफरत करने के सिखाया जा रहा है। मुझे बहुत ही अफसोस आ रहा है, प्यारा सा हिंदुस्तान, मल्टी कल्चरल हिंदुस्तान जो जिस तरह से नफरत की आग में जल रहा है, बहुत अफसोस आ रहा है। और मासूम बच्चे तो देश के भविष्य होते हैं और उसे एक तरह से थप्पड़ मारवाना, मुझे अफसोस आ रहा है, बहुत अफसोस आ रहा है। जब हम लोगों ने वीडियो ये देखा तो इतना अफसोस आया कि मैं क्या कहूँ, मुझे रोना आया। और ये देश किस तरफ जा रहा है और कहना है, ये सबसे बड़ी बात ये तो अपना देश में हो रहा है। अगर शिक्षिका की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए लेकिन अभी तक हुई नहीं, ये बात को मामला लगभग दबाया जा रहा है, किस तरह देख रहा है बात? देखिए कोई मामला दबने से दबेगा नहीं, मंजर आम पर तो आ ही गया, वीडियो सब लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ी मैं बात कहना चाहूँगा कि देश का जो नाम खराब हो रहा है विदेशों में, सबसे बड़ी बात है G20 का समिट भी हो रहा है और जिस तरह से घटना घटेगा तो मुझे अफसोस आ रहा है, बहुत अफसोस आ रहा है। एज ए पत्रकार होने के नाते और समाज के ह्यूमन बींग होने के नाते इतना अफसोस आ रहा है, मैं इसको अब लफ्जों में बयान नहीं कर पाऊंगा। योगी जी से क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि उस बच्चे का भी मुख्यमंत्री है योगी जी। देखिए मोदी जी चाहे योगी जी हो, कहना ये चाहते हैं नफरत खत्म हो, प्यार मोहब्बत बढ़े, देश तरक्की करे। अब सबसे बड़ी बात है, गौरवान्वित मोमेंट्स था कि चंद्रयान 3 लैंडिंग हुआ एक तरह से मून पर या चांद पर, तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित मोमेंट्स था, लेकिन इस तरह से घटना होने के बाद हमारा देश फिर से कहीं ना कहीं दूसरे की नज़र में बुरा साबित। बहुत शुक्रिया तस्लीम। देखिए बहुत ही शर्म की बात है कि एक तरफ फख्र किया जाता है कि चांद पर भारत चला गया, भारत का गौरव सम्मान वहां पर चांद पे लहराया जा रहा है, लेकिन वहीं पर एक तरफ देख सकते हैं यहां पर जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का ये शर्मनाक खेल खेला जा रहा है, ये भी एक अपने आप में शर्म की बात है। देश तो चांद तक पहुंच चुका है लेकिन यहां पर कुछ लोग जो है गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। मैं यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, जो उस 8 साल के बच्चे के भी मुख्यमंत्री है, वो 8 साल के बच्चे के भी मुख्यमंत्री आप है योगी जी, तो जिस तरीके से उस बच्चे के भी मुख्यमंत्री आप हैं तो उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। शिक्षा के मंदिर में हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, शिक्षा के मंदिर में सिर्फ शिक्षा की बातें होनी चाहिए, तालीम की बातें होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं होनी चाहिए। दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।